नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके दास, डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है, इसमें जो हमारे एडमिशन्स हैं वो बढ़ गए हैं, और अभी विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में करीब 40 पेशेंट्स एडमिट हैं, और दमन में भी एडमिट हैं, खानवेल में एडमिट हैं, दीव हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो और जो भी अब डायरेक्ट हॉस्पिटल में डेली रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं उनको काफ़ी लंग इन्वॉल्वमेंट है, और उनको सांस की तकलीफ है और जान का खतरा भी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं जिनको जैसे ही थोड़ा बहुत बुखार आता है वो तुरंत हॉस्पिटल आएँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और डायरेक्ट आके दिखाएं किसी न किसी डॉक्टर को और उसका इलाज कराएं। सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ PHC, CHC और हॉस्पिटल है, वहाँ ये कोरोना का टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट कहते हैं वो होता है। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और नर्सिंग होम्स और क्लिनिक से कि उनके पास भी जो फीवर के केसेस आएंगे तो बड़ा हाईली सस्पिशियस रहें, और उनका भी आप जांच कराने के लिए हमारे यहाँ भेज दें ताकि हम उनका जांच कर पाए। ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको ये कोरोना के काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं वो पालन करना है, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना है, ये बहुत कंपलसरी है। अपने घर को, एरिया को डिसइंफेक्ट करना है, अपने घर के डोर्स, टेलीफोन्स और जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ बार बार हाथ जाता है उसे भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए। ये एक पार्ट है कोरोना का, और दूसरा पार्ट है हमने आज से अप्रैल 1 तारीख से आज हमने कोरोना का फिर से एक ड्राइव शुरू किया वैक्सीनेशन का। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 45 इयर्स एंड अबव जितने भी लोग हैं आप खुद आके लें, आप अपने पहचान वालों को बोलें और अपने रिलेटिव्स को बोलें, अपने दोस्तों को बोलें कि ये पूरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सब जगह फ्री में ये वैक्सीन दिया जा रहा है, और हम आउटरीच कैंप्स के द्वारा भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं और हम हाउसिंग सोसाइटीज में कर रहे हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो टोल फ्री 104 नंबर पर कॉल करें, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोरोना के संदर्भ में आप ले सकते हैं। वैक्सीनेशन आपको अगर अपने एरिया में कराना है या अपने सोसाइटी में कराना है या अपने ग्रुप्स में कराना है तो वहाँ पर भी आप आके ले सकते हैं। मैं पूरे पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे म्यूनसिपैलिटी के हैं, चाहे पंचायत मेंबर्स हैं, जितने NGOs हैं, जितने और भी जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएं और अपने अपने जो भी उनके जो पहचान वाले हैं वो खुद लें, और उनके पहचान वाले और उनके नज़दीक रिश्तेदार सबको टीकाकरण करवाएं। हमें ये कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ना है और ये जंग जीतना है, इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।